हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप SBI में अपना इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं, वो भी बिना ATM कार्ड का। मान लीजिए आप अभी अपना अकाउंट ओपन किए हैं और वो एक दो दिन का टाइम हो रहा है और आप लोग कहीं पैसे भेजने हैं, तो उसके लिए आपको इंटरनेट बैंकिंग होना चाहिए, तभी आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको यहाँ पर ATM कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बिना ATM कार्ड का ही आपको यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस आपको बताऊंगा, सो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिए। अगर आपने अभी तक अपना SBI में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से देख के आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आने के बाद आपको सिंपल सा गूगल में सर्च कर लेना ऑनलाइन SBI.com, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप उस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो इस साइट को खोलने के बाद जो है यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आएगा, न्यू यूज़र या फिर रजिस्टर हियर एक्टिवेट। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, न्यू यूज़र पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन या फिर एक्टिवेशन ऑफ यूज़र नेम। तो हम लोग को न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, जैसे ऊपर में ऑप्शन दिख रहा है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते आपसे कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा, जैसे आपको यहाँ पे देख लीजिए अकाउंट नंबर आपसे मांगा जाएगा। अकाउंट नंबर जब आप अकाउंट ओपन किए थे उस टाइम मिला होगा, CIF नंबर भी आपको मिला होगा और ब्रांच कोड भी आपको मिला होगा। अगर नहीं है जानते तो गेट ब्रांच कोड पे आप नेम के सर्च कर सकते हैं, अपना कंट्री डाल दीजिए यहाँ पे नेम, यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आप रजिस्टर्ड आप मोबाइल नंबर अकाउंट खोलने डाला था वो डालिए, फुल राइट ट्रांजेक्शन या लिमिटेड ट्रांजेक्शन या व्यू राइट्स। तो हम लोग को फुल ट्रांजेक्शन लिमिट चाहिए, सारा चीज़ चाहिए किसी को पैसे ट्रांसफर के लिए। अब आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है, फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके एक मोबाइल नंबर पे एक OTP गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल के कन्फर्म कर दें। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है, आई है माई ATM कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विदाउट ब्रांच भेट। अगर आप लोगों के पास ATM कार्ड है तो इस पर क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस देख के वीडियो को आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं ATM कार्ड के थ्रू। और साथ लेकिन हम लोग को जो है नीचे वाला अकाउंट ओपन करना है, आई डो नॉट हैव माई ATM कार्ड, हम लोग के पास ATM कार्ड नहीं है, हम लोग तुरंत ही अभी अकाउंट जो ओपन किए हैं, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद यहां से आपको यहां पर देखिए कस्टमर आइडेंटिफिकेशन जो है आपको यहां पर नंबर एक मिला है, इस नंबर को आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर अपना लॉगिन पासवर्ड, टेम्प्ररी लॉगिन पासवर्ड यहाँ पर आपको बनेगा, वो सेट कर लेना है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर और नंबर मिला के और सिम्बल मिला के जो है आपका यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करिएगा तो ये देखिए आपका योर रिक्वेस्ट इज़ फॉर INB फैसिलिटी हैज़ बीन सक्सेसफुली एक्सेप्टेड, प्लीज़ नोट डाउन द INB एक्टिवेशन रेफरेंस नंबर, टेम्प्ररी यूज़र नेम एंड कमिटमेंट द टेम्प्ररी पासवर्ड इन मेमोरी फॉर फ्यूचर। मतलब ये सारा कुछ जो है आप सारा कुछ लिख के याद करके रखिएगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब आपको यहाँ पर नज़दीकी ब्रांच SBI ब्रांच में जाना है, ये फॉर्म को लेके जहाँ भी आपका अकाउंट खुला हुआ है उस ब्रांच में जाना है आपको, और उससे बोलना है कि मेरा इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करेंगे। वहाँ से आपको जो एक किट मिलेगा, यूज़र नेम मिलेगा, जैसे यहाँ पे टेम्प्ररी यूज़र नेम है, PPK नंबर है, इसके माध्यम से आपको वहाँ पे मिलेगा। यह सारा कुछ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर व्यू डाउनलोड पर आपको PDF डाउनलोड करना, जो अभी फॉर्म आपने फिलअप किया उस फॉर्म को आपको PDF डाउनलोड कर लेना है। उसमें आपको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे सारा कुछ फिल किया हुआ है। अब आपको नीचे बस स्क्रॉल करते हुए जाना है, इसको आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद यहाँ पे कस्टमर सिग्नेचर पे आपको अपना साइन कर देना है, उसके बाद डेट यहाँ पे डाल देना है। डेट डालने के बाद आपको इसे ले जाना है और ब्रांच में सबमिट करना है और उनसे बोलना है कि मेरा इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करने के लिए। वो वहाँ पर आपका इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट हो जाएगा। आप अपने साथ पैन कार्ड ले जाइएगा, आधार कार्ड ले जाइएगा और अपना जो है डॉक्यूमेंट्स वो ले जाइएगा। सारा कुछ ले जाने के बाद आपको यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है अपना इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं बिना ATM कार्ड का। तो आशा करते हैं ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।